सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में दबाएं इस घंटे को हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको मध्य प्रदेश के दतिया जिला की कुछ खास बातों के बारे में आपके साथ एक छोटी सी जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक शेयर और नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप दतिया जिला के वासी हैं तो वीडियो को लाइक और ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करें। दतिया जिला मध्य प्रदेश का एक जिला है जो मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से एक दतिया जिला के नाम से जाना जाता है। दतिया जिला उत्तर से पूर्व भाग की ओर बसा है, जिस वजह से इसके पूर्व से दक्षिण की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य से मिलती है। इस जिले का हेडक्वार्टर दतिया शहर में मौजूद है और दतिया जिला ग्वालियर डिवीजन के अंतर्गत आता है। दतिया जिला पहले बुंदेलखंड का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज के मौजूदा समय पे दतिया को बुंदेलखंड से अलग करके एक नया जिला बनाया गया था। साल 1956 में देश आजाद होने के बाद दतिया को मध्य भारत का हिस्सा बनाया गया था, लेकिन साल 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन होने के बाद दतिया को एक बार फिर से मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा बनाया गया था। इससे पहले दतिया बुंदेलखंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। ग्वालियर के नजदीक उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा दतिया जिला मध्य प्रदेश का एक बहुत ही मशहूर तीर्थस्थल के रूप में जाना जाता है। दतिया शहर को 16वीं शताब्दी पे बुंदेलखंड के राजा वीरसिंह देव ने बसाया था। महान ऐतिहासिक का महत्व रखने वाला दतिया जिला 7 मंजिला महल राजा वीरसिंह देव के द्वारा साल 1614 ईस्वी पे पत्थर और ईंट से निर्माण किया गया था। यह महल उत्तर भारत की सबसे बेहतरीन इमारतों में से एक माना जाता है, जो अपने गौरवशाली अतीत को अपने साथ समेटे हुए शान से खड़ा है। इस महल का निर्माण राजा वीर सिंह देव के द्वारा खास तौर पर मुगल शासक जहांगीर के स्वागत के लिए बनाया गया था। ऐतिहासिक पन्नों के मुताबिक जहांगीर ने ही राजा वीर सिंह देव को दतिया का शासक बनाया था। यहाँ का पीताम्बरा देवी शक्तिपीठ भारत की सबसे अच्छी और पूर्ण शक्ति पीठों में से एक है, जहां पर हर साल बड़ी संख्या में लोग इन जगहों पर दर्शन करने आते हैं। मध्य प्रदेश का दतिया जिला 4 पड़ोसी जिलों के साथ आपस में घिरा हुआ है, जिसका नाम ग्वालियर जिला, शिवपुरी जिला, भिंड जिला और झांसी जिला है। जिस वजह से दतिया जिला के उत्तर से पूर्व भाग की ओर मध्य प्रदेश का भिंड जिला, पूर्व से दक्षिण भाग की ओर उत्तर प्रदेश का झांसी जिला, दक्षिण से पश्चिम भाग की ओर मध्य प्रदेश का शिवपुरी जिला और पश्चिम से उत्तर भाग की ओर मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला से घिरा हुआ है। दतिया जिला की मुख्य नदी का नाम सिंध नदी और पहुंच नदी है। सिंध नदी और पहुंच नदी के हिस्से में बसा यह जिला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से तकरीबन 380 किलोमीटर की दूरी पर है और देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 435 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दतिया जिला पे 3 सब डिवीजन, 5 तहसील, 3 ब्लॉक, 1 लोकसभा, 3 विधानसभा, 132 डाकघर, 1 जिला कोर्ट, 23 पुलिस स्टेशन, 1 जिला अस्पताल, 3 सामुदायिक अस्पताल, 10 प्राथमिक अस्पताल, 1 नगर पालिका, 4 नगर पंचायत, 290 ग्राम पंचायतें, 5 शहर और 735 गांव में बटा है। क्षेत्रफल की बात करें तो इस जिले का क्षेत्रफल 2959 वर्ग किलो मीटर भी फैला हुआ है। दतिया जिला में रहने वाले परिवारों की कुल संख्या 1,60,000 के करीब है और यहाँ की बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। आबादी की बात करें तो दतिया जिला जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश राज्य का 8वां सबसे छोटा और क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश राज्य का 2रा सबसे छोटा जिला है। दतिया जिला का अभी मौजूदा समय पे कुल आबादी 8,98,000 के करीब है। वैसे साल 2011 की जनगणना के अनुसार दतिया जिला की कुल आबादी 7,87,000 के करीब है, जिसमें की पुरुष की आबादी 4,20,000
हजार है और महिला की आबादी 367,000 है। इस जिले का औसत लिंग अनुपात 873 के करीब है, यानी कि 1000 पुरुष पर 873 महिला है। इस जिले में हिंदू धर्म की आबादी 7,45,000 है, लगभग 95% के करीब, और मुस्लिम धर्म की आबादी 30,000 है, लगभग 4% के करीब है। शिक्षा की बात करें तो इस जिले में कई सारे कॉलेज और स्कूल स्थित है, जिसके माध्यम से द्वितीय जिला के वासी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस जिले में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, गवर्नमेंट विजय राजे सिंधिया कॉलेज, गवर्नमेंट गोविंद डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट महिला कॉलेज और गवर्नमेंट पीजी कॉलेज इस जिले के लिए एक खास केंद्र बना हुआ है। वैसे इस जिले की साक्षरता दर 75% के करीब है। द्वितीय जिला की 7,87,000 की आबादी पे 5,72,000 लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें की पुरुष 3,54,000 पढ़े लिखे हैं, लगभग 84% के करीब, और महिला 2,18,000 पढ़ी लिखी है, लगभग 59% के करीब है। व्यवसाय की बात करें तो द्वितीय जिला के आबादी के अनुसार इस जिले में 3,21,000 लोग काम करने वाले वर्कर हैं, जिसमें की पुरुष और महिला दोनों शामिल है। इस 3,21,000 वर्कर भी सरकारी नौकरी करने वाले, प्राइवेट नौकरी करने वाले, किसान और मजदूर भी शामिल है। इस जिले में काम करने वाले वर्कर यहाँ की आबादी के अनुसार लगभग 41% के करीब है। और वैसे द्वितीय जिला की मुख्य व्यवसाय खेती भी है। यह जिला काफी हद तक खेती अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। सिंध नदी और पहुंच नदी के हिस्से में फंसे होने के कारण इसका ज्यादातर इलाका काफी उपजाऊ है। द्वितीय जिला पे इनकम का मुख्य साधन खास तौर पर खेती के फसलों द्वारा किया जाता है, जिस वजह से इस जिले का प्रति व्यक्ति इनकम 73,295 के करीब है। द्वितीय जिला के 2,959 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पे लगभग 2,90,000 हेक्टेयर पे खेती का कुल पैदावार किया जाता है, और 200 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल जंगल के हिस्से में आता है। इस जिले की मुख्य फसलों का नाम गेहूं, धान, मक्का, ज्वार और कपास यहाँ के मुख्य फसल है। इसके अलावा इस जिले में कई सारे छोटे छोटे व्यवसाय भी स्थित है, जिसके माध्यम से आसपास के लोगों को और द्वितीय जिला वासियों को रोजगार मुहैया प्रदान करवाता है। टूरिस्ट स्थलों की बात करें तो इस जिले पे कई ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं, जिसके माध्यम से टूरिस्ट इन जगहों पर घूमने का आनंद उठा सकते हैं। मध्य प्रदेश का द्वितीय जिला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह भरपूर और मशहूर है। यहाँ के टूरिस्ट स्थलों में सुबह सोनागिरी जैन मंदिर, श्री पीताम्बरा पीठ, उनाव बालाजी सूर्य मंदिर, रतनगढ़ माता मंदिर, बाला मंदिर, अवध बिहारी मंदिर, राजगढ़ पैलेस और म्यूजियम, बीसी देव महल, बोटोनिकल गार्डन और द्वितीय जिला के दावल पीर बाबा की दुर्गा शरीफ जैसे कई महत्वपूर्ण धामों से लोग वाकिफ होंगे। द्वितीय जिला सड़क और रेल के माध्यम से मध्य प्रदेश के अलावा भारत के अलग अलग जिलों के साथ अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इस जिले के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 44, नेशनल हाईवे संख्या 27, स्टेट हाईवे संख्या 19 और स्टेट हाईवे संख्या 45 गुजरती है। यह जिला बस के माध्यम से भी यात्रियों को उसी जिला के साथ साथ शहर के छोटे बड़े गांव तक बस सेवा मुहैया कराती है। द्वितीय जिला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम द्वितीय रेलवे स्टेशन है, जो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन के झांसी रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है।